हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विश्वविद। में मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी जीमेल अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये करने से क्या होता है, आपके जो जीमेल अकाउंट है वो सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर हो जाता है वो, और आपके मोबाइल नंबर की वजह होता है, इसलिए आपको ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है टेक्निकल विश्वजीत, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में साथ बेल आइकन का दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो अपडेट होने के साथ साथ आपके पास पहुंच जाए, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाए। वही एक ही बात हुआ। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो अपनी अपनी कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसके बाद अपनी जीमेल अकाउंट में लॉगिन कीजिए। तो मैं पहले से ही एक पेज खोल के रखा हूँ, ये जीमेल अकाउंट का मैं पेज है। तो उसके बाद अपना जीमेल अकाउंट दीजिए, उसके बाद पासवर्ड देके लॉगिन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगा। अगर ए वाला विंडो नहीं आया, अगर ए वाला विंडो आया आपके पास, यानी कि आपका इनबॉक्स डायरेक्ट ओपन हो गया, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना करने के बाद देखिए यहाँ पे हैंड जहाँ पे दिखा रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा माई अकाउंट पे। ठीक है, अगर ए वाला विंडो डायरेक्टली नहीं आया तो, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लिक करना होगा कहाँ गया यार, साइन इन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है साइन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सिक्योरिटी चेकअप, फाइंड माई फोन, स्क्रॉलिंग नहीं हुआ है, ठीक है, नेट थोड़ा प्रॉब्लम है। तो शायद नेट का प्रॉब्लम है, कॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन कौन मैसेज कर रहा है वो सब पूछ रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, कीप द बैड गाइस आउट, यानी कि आपको समझ आ गया है कि एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी का है और ये थोड़ा सा आपको सिक्योर कर देता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही सिक्योर कर देता है, क्योंकि गूगल अभी जो है बहुत ही सिक्योर है। मतलब ये नया फीचर लॉन्च हुआ है, बिल्कुल नया नहीं हुआ है बहुत सर। चलिए बात देते, तो उसके बाद आपको जहाँ पे क्लिक करना है वो है गेट स्टार्ट में। ठीक है, मैं जूम करके फिर से आपको दिखा देता हूँ, गेट स्टार्ट में क्लिक करना है आपको। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा आपको आपकी पासवर्ड मांगेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट्स यू, यानी कि वो आप ही है, आप ही वो पर्सन है, वही आप ही वेरीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए, मेरा सेव करा हुआ था पहले ही, तो मैं बाई डिफॉल्ट ऐसे कर दिया। तो अब अगर आप मैनुअल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, यानी कि जिस आप नंबर से आप इसको दोबारा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वही। तो हम इंडियावासी है, भारतवासी है, मेरा भारत महान, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भारत सिलेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी देखिए भारत सिलेक्टेड कर दिया मैं फिर से। तो अपनी उसके बाद अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कैसे इसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि हाउ टू यू वांट टू गेट कोड, यानी कि आपके पास कोड कैसे आएगा, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फोन कॉल से। तो टेक्स्ट मैसेज बेटर है, तो मैं टेक्स्ट मैसेज करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, यानी कि सेंड कर देता हूँ, वो एक ही बात है।
उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जो जहाँ पे इसका कोड होगा, तो वो आप जो कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मेरे पास कोड आ गया है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो कोड है। ET580, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए अभी क्या दिखा रहा है कि टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन गूगल पर डिफॉल्ट है वॉइस टेक्स्ट मैसेज। तो ठीक है, ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी J2 में जो फ़ोन है उसमें लॉगिन किया हुआ है, तो अब इसको टर्न ऑन कर देते हैं। तो मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नंबर दे के वेरीफाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कॉन्फर्म दिखा रहा है कि टू स्टेप वेरीफिकेशन इज़ ऑन साइन 6 फरवरी 2018, यानी कि आज के डेट में वो ऑन हो गया है टू स्टेप वेरीफिकेशन। मैं अभी जो कंप्लीट किया हूँ प्रोसेस वो अभी कंप्लीट हो गया है, यानी कि वो प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है। तो और क्या, ऐसे आप अपनी गूगल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो आने वाले एक वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने अकाउंट में ऑथेंटिकेशन यानी कि गूगल ऑथेंटिकेशन से अपनी वो अकाउंट अपनी गूगल ऑथेंटिकेशन जो ऐप्स होता है उससे अपनी अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि वीडियो के बारे में, तो मैं ज़रूर वो वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरा चैनल जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। नहीं यार, बाय। ओके।